नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरी किचन में। दोस्तों, हमारी आज की रेसिपी है सोया मंचूरियन, जिसे आप चिली सोया भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। दोस्तों, आज की रेसिपी के लिए मैंने लिया है ये सोयाबीन की बढ़िया, जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है। ये 100 ग्राम के लगभग है। और शिमला मिर्च, जिसे मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। एक बड़े साइज का प्याज, इसे भी मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। टोमेटो सॉस 2 बड़े चम्मच, चिली सॉस ग्रीन चिली सॉस 1 बड़े चम्मच, सोया सॉस 1 बड़े चम्मच, सेजवान सॉस 1 बड़े चम्मच, ये विनेगर 1 बड़े चम्मच, ये गार्लिक, मैंने 4 से 5 गार्लिक की कलियाँ इसे मैंने चॉप कट कर लिया है। 2 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे भी मैंने क्रश कर लिया है। 4 से 5 हरी मिर्च, इसे मैंने 2 टुकड़ों में कट कर लिया है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़े चम्मच, कॉर्नफ्लोर आधे कप, मैदा आधे कप, नमक स्वाद के अनुसार, और ये चिल्ली पाउडर आधे छोटे चम्मच, और ये तेल, जिससे हम अपनी रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने एक भगोने में पानी रख दिया है, आधे भगोने लगभग मैंने पानी लिया है। अब हम इसमें बॉयल आने का इंतजार करेंगे। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो हम अपनी सोयाबीन की बढ़िया इसमें डालेंगे। देखिए दोस्तों, पानी में उबाल आ चुका है। अब इसमें डालते हैं अपने बढ़ियों को, आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसमें डालेंगे। इसे अच्छे से पानी में डिप कर देंगे। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ढककर 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि हमारी बढ़िया अच्छे से फूल जाए। फिर हम इसे निकाल कर पानी से धोकर अच्छे से निचोड़ लेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने ये सोयाबीन की बड़ियों को पानी से निकाल के अच्छे से निचोड़ लिया है। अब हम इसे तैयार करते हैं। इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच मैदा, डेढ़ चम्मच के लगभग कॉर्नफ्लोर, हम इसमें डालेंगे आधे चम्मच नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, जिंजर गार्लिक पेस्ट, आधे चम्मच चिली सॉस, और ये थोड़ी सी सेजवान सॉस। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और गैस पे मैंने तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इन बड़ियों को फ्राई करते हैं। हमारा तेल गर्म हो चुका है। हम इसमें एक एक करके अपनी बड़ियों को डालेंगे और इसे हाई फ्लेम पर ही हम एकदम डीप फ्राई कर लेंगे। मिक्की करके डालेंगे बढ़िया को। देखिए दोस्तों, मैंने सारे मंचूरियन फ्राई कर लिए हैं। अब हम तैयार करेंगे इसकी, इसे प्लेट में निकाल लेते हैं, फिर हम तैयार करेंगे इसकी ग्रेवी। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं। मैंने पैन में तेल गरम कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्च, चॉप गार्लिक, चॉप जिंजर, हल्का सा फ्राई करेंगे। हम इसमें डालेंगे अनियन, शिमला मिर्च, इसे भी हमें हल्का सा ही सौते करना है। देखिए, मैंने इसे 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। अब इसमें डालेंगे अपने सॉस, टमाटो सॉस, ग्रीन चिली सॉस, सेजवान सॉस, और ये सोया सॉस। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें डालेंगे विनेगर, लाल मिर्च पाउडर, और ये आधे छोटे चम्मच नमक। नमक हम हिसाब से डालेंगे, क्योंकि हमारे सॉस में भी नमक है। फिर थोड़ा सा सॉस को पका लेते हैं। इसमें डालेंगे मंचूरियन,
इसे अच्छे से मिक्स करना है। हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर, जिसे मैं थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट बना लिया। और हम इसमें ऐड करेंगे ये पानी, आपको जितनी ग्रेवी रखनी है दोस्तों आप उस हिसाब से पानी रख सकते हैं। फ्लेम को हम हाई कर देंगे, ऐसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए दोस्तों हमारा सोया मंचूरियन बनकर बिल्कुल तैयार है। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और हम करते हैं इसकी प्लेटिंग, करते हैं इसकी प्लेटिंग। इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों देखने में कितना कलरफुल लग रहा है, बहुत टेस्टी भी लग रहा है, और ये उसी तरह ये न्यूट्रिशन से भी भरा है क्योंकि इसमें सोया है। तो आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें, अपने बच्चों को भी खिलाएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।